एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज जो मैं प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ वो है इंडस वैली का ऑर्गेनिक आयुर्वेदा रिटेक्सचरिंग नाइट क्रीम, एंड ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस अ मंथ। सो मैं अब इसका आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी एक्सपीरियंस और आपको बताऊँगी क्या ये आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें अपना मनी या नहीं करना चाहिए। सो जानने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है दैट इंडस वैली रिटेक्सचरिंग नाइट क्रीम विद कश्मीरी सैफ्रॉन एक्सट्रैक्ट्स, जैस्मिन फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा, सीजम and almond oil blend with jasmine and केसर oils to relax and hydrate the skin। और इसमें काफ़ी अच्छा ऑयल्स हैं, ऑयल्स का मिक्सचर है एंड इसमें वीट जम ऑयल भी है विच इज़ अ नेचुरल कंडीशनर फॉर योर स्किन। नाइट क्रीम विल सूदन एंड सॉफ्टन द स्किन, इट मेक्स द स्किन लुक रेजुनेटेड, फ्रेश एंड हेल्दी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। पैकेजिंग मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि पैकेजिंग के ही से ही पता चलता है कि कैसा क्रीम है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन पैकेजिंग से ही जाता है। सो सबसे पहले अगर पैकेजिंग की बात करी जाए तो ये ग्लास कंटेनर है, टब पैकेजिंग है इसकी एंड इसकी जो नीचे का है वो है ट्रांसपेरेंट बट इट इज़ कवर्ड विथ स्टिकर एंड जो ऊपर की लिड है वो है गोल्डन कलर की और ये आराम से खुल जाती है। और बट ये है कि दैट ये ग्लास का कंटेनर है सो ये इजीली ब्रेक हो सकता है। सो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर ये थोड़ा सा गिर जाएगा तो ये ब्रेक हो सकता है इजीली। सो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। और हाँ, आप इसे कहीं पर भी पैक करके ले जा सकते हैं, कोई ज़्यादा जगह घेरेगी नहीं। आप इसे कॉलेज ले जा सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं और कहीं पर भी अगर आपको घूमने जाना हो तो आप तब भी ले जा सकते हैं। इट इज़ अ ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग। पैकेजिंग की बात करी जाए तो मैं इसे 4 out of 5 दूँगी। मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इसकी पैकेजिंग, पता नहीं मुझे तब पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं इसे 4 out of 5 दे रही हूँ। सो नाइट क्रीम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्किन एंड ओवरऑल लुक क्योंकि नाइट टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा स्किन सेल्स रिलैक्सड होते हैं एंड दे वर्क रियली वेरी वेल और हमारी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड अच्छी रहती है, नो पोल्यूशन नथिंग क्योंकि हम घर के अंदर होते हैं। सो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ज़रूर करें और उस टाइम पर आप नाइट क्रीम ज़रूर लगाएँ। अगर आपको ऐसे वाले नाइट क्रीम्स नहीं लेने हैं तो मैंने एक DIY नाइट क्रीम भी बनाया है, मैं उसकी लिंक डाल दूँगी तो उसको ज़रूर चेकआउट करें। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वो मैंने 1 month तक यूज़ करा था एंड इट वॉज़ लाइक फैंटास्टिक। सो आप ज़रूर उसे ट्राई कर सकते हैं। सो ये जब आप ओपन करेंगे तो इसमें एक वाइट लिड भी प्रेजेंट होती है, एक और कवर का प्रोटेक्शन होता है बट इट इज़ ऑलवेज स्टक ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टब पैकेजिंग। जो ऊपर का जो गोल्डन है उसमें ये अटक जाता है सो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको हमेशा बार बार निकालना पड़ता है और इसलिए ये इतना मेसी हो जाता है, इसलिए मुझे टब पैकेजिंग अच्छी नहीं लगती है। और अगर हम इसकी स्मेल की बात करी जाए तो इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगी मुझे, जो आयुर्वेदिक बहुत हार्ड स्मेल होती है वैसी है। सो अगर आपको जो फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं तो आप ये बिल्कुल ना ख़रीदें, आपको इसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। तो अगर अब हम नाइट क्रीम की बात करते हैं, अच्छी नाइट क्रीम क्या होती है? अच्छी नाइट क्रीम वो होती है जो फाइट द रेडिकल्स, मतलब जो आपकी स्लीपिंग के टाइम में रेडिकल्स से फाइट करती है जो भी पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स, स्किन एजिंग, सन एक्सपोजर के थ्रू होते हैं और जो भी उनका बैड इफ़ेक्ट होता है उसको वो रिवर्स करता है। बट ये मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इस नाइट क्रीम को यूज़ करके कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आ ही रही होगी। देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। द रेड बटन जो है उसको बस प्रेस करना है, वो बिल्कुल फ्री है और उसके बगल में ही एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मेरी वीडियोज़ आप देख सकें। नहीं तो अगर आप नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपको मेरी वीडियोज़ का पता ही नहीं चलेगा और आप मिस कर देंगे। सो प्लीज़ देखिए और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट का रिव्यू और करते रहूँ तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलें एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो इस नाइट क्रीम में ये लिखा है कि इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, तो ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये सारी स्किन टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी स्किन टाइप है ऑयली एंड एक्ने प्रोन, सो दिस वन इज़ रियली वेरी बैड फॉर माय स्किन टाइप क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। इसको देख के ही लग रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड नाइट क्रीम्स टोटली मॉइस्चराइजिंग होती है, बट ये आपका ऑयल कंट्रोल भी करना चाहिए साथ ही साथ। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मेरी स्किन में लगा के तो मुझे ऐसा लगा कि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। और अगर मैंने फिर ये अपनी सिस्टर को दिया था, मेरी सिस्टर यूज़ कर रही थी, उसकी ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसकी स्किन में भी मुझे ऐसा, उसको जब एक दो दिन उसने यूज़ करा तो स्टार्टिंग में ही उसे इरिटेशन होने लगी थी। मैंने उसे तब भी बोला था यूज़ मत कर, इरिटेशन हो रही है तो, बट उसने फिर भी यूज़ करी थी एंड फिर उसके थोड़े टाइम बाद पिंपल्स भी निकलने लग गए थे और अब जाके उसने स्टॉप कर दिया। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन ऑल्सो। तो मुझे नहीं लगता कि ये पता नहीं कौन सी स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। सो मैं बोलूँगी कि ये इसमें आप अपना वेस्ट ना करें। आई एम करेंटली यूजिंग दिस एज अ फुट क्रीम और हैंड क्रीम, क्योंकि अब वेस्ट तो कर नहीं सकते प्रोडक्ट को, तो क्या करें, इसलिए मैंने ये सोचा है कि अब इसको एज अ फुट क्रीम एंड हैंड क्रीम यूज़ कर लें। सो लास्टली अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगी तो ये होगी 2 या 1 आउट ऑफ 5। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तब आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता ये तब भी अच्छा करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन में भी ये मुझे नहीं लगता कहीं पिंपल्स ना आ जाए उन लोगों के लिए भी। सो इसलिए मैं बोलूँगी इसको यूज़ ना करें। एंड इसकी स्मेल भी काफ़ी बहुत गंदी सी लगी मेरे को। सो डू नॉट यूज़ दिस एंड डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दिस प्रोडक्ट। सो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल या परसों।